हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के एक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की है। ये सभी वर्गों के लिए विज्ञप्ति है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, वो है MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BDS, प्रेफरेबल MBA इन हेल्थ केयर और मास्टर ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फुल टाइम रेगुलर विथ यूनिवर्सिटी डिग्री विथ एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस। इसमें ये मानदेय देंगे 50,000 रुपये महीना, और या फिर आपके पास हो सकता है MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BDS विथ फुल टाइम रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ केयर, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हैविंग 5 years एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मानदेय हो जाएगा 70,000 रुपये महीना। नियुक्ति की शर्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साक्षात्कार की सूचना पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। संविदा पर अधिकतम 65 वर्ष आयु के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ अभ्यर्थी हेतु अर्थ होंगे। आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियां उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। आवेदन पत्र रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 22 जून 2022 को सायं 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद एटा में स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति के माध्यम से साक्षात्कार एवं स्क्रीनिंग के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा और न ही अलग से सूचित किया जाएगा। एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। इस नियुक्ति के आधार पर राज्य स्तर सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा। कार्य व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाए जाने पर सेवाएँ तुरंत समाप्त की जा सकेंगी। किसी भी दशा में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। संविदा कर्मी किसी भी प्रकार के लाभ के हकदार नहीं होंगे। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं नियुक्ति से संबंधित सभी विवादों का निस्तारण स्थानीय जिला न्यायालय एटा के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगा। तो ये सभी शर्तें हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो 22 जून 2022 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से अपना आवेदन भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।